मरहूम ने कमाल लिखा हजरत इसको, फरमाते हैं कोई बकरियां चराने वाला, रोज बकरियां चराने, लेकिन वो कभी जंगल के अंदर नहीं गया, जहां जंगल बड़ा घना था, बैर बारी चराया करता। वो एक दिन कोई बकरी भागी, वो घने जंगल में चली गई, ये भी पीछे गया। अब जंगल बड़ा घना था, अंधेरा ही अंधेरा था, हर जगह उसको ना कुछ चमकता दिखाई दिया। अगर वो पास गया तो पत्थर थे चमक रहे थे, उसमें अपनी गोद में जितने उसे डाले गए ना, उसमें वो चमकने वाले पत्थर अपनी गोद में डाले और जंगल से लेके बाहर आ गया। अब वो देखे कि ये है क्या, तो उसने समझा चमकने वाले पत्थर है, जाहिल था, आलिम नहीं था, किसी आलिम के पास बैठने वाला भी नहीं था, इसलिए तो कहा गया है कि अपनी सोबतें अच्छी रखो ताकि तुम्हें पता चले। सिर्फ गाड़ी वाले के पास ना बैठ, तू भी गाड़ी की दौड़ में लग जाएगा। सिर्फ कोठी वालों के पास ना बैठ, तू भी कोठी बनाने की दौड़ में लग जाएगा। अल्लाह के बंदे, कुरान पढ़ने वालों के पास भी कभी कभी जाके बैठा कर, तेरा दिल भी कुरान को पढ़ने को कर पड़ेगा। मस्जिद वालों के पास भी बैठा कर, तेरा दिल भी मस्जिद जाने को करेगा मियां। इसीलिए तो हुक्म दिया गया, तू अगर या तो आलिम बन, आलिम नहीं तो फिर किस आलम के पास बैठने वाला बन जा। लेकिन दुख की बात है, मेरे मुआशरे ने तो कसम खा ली है ना आलिम के पास बैठना है, बल्कि क्या करना है, मौलवियों ना लड़ाई पा लड़ी है। खुद हजरत जी नाक साफ करने का भी सुन्नत तरीका नहीं पता कि कैसे नाक साफ करते हैं, लेकिन क्या है उलमा से हर बंदे को जनाब। वो भी ऐसे ही था हजरत, किसी के पास बैठने वाला ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था ये चमकने वाले पत्थर है क्या। उसने समझा बस चमकने वाले पत्थर है, उसने क्या किया, गुलेल निकाली और एक एक पत्थर गुलेल में देता जाता और उसे कव्वे उड़ाता जाता, सारे उड़ा दिए उसने, एक पत्थर आखिरी पत्थर रह गया। उसने वो गुलेल में डाल के ना छोड़ना चाहा तो पास से एक जौहर शनास, जिसे मैं आज की उर्दू जुबान में जरगर कहूंगा और अगर पंजाबी में लाऊं तो फिर मैं उसको सनियारा कहूंगा, वो गुजरा। उसने जब देखा ना कि इसने गुलेल पे दुनिया का सबसे कीमती पत्थर लाल चढ़ा रखा है और बस छोड़ने वाला है, वो भागा और जाके ना उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसको डांटा। उसने कहा बेवकूफ और नादान आदमी, ये तू क्या कर रहा है। उसने कहा कव्वे उड़ा रहा हूं। उसने कहा कव्वे तो तू उड़ा रहा है, तुझे पता है तू किससे कव्वा उड़ा रहा है। उसने कहा चमकने वाला पत्थर। उसने कहा बेवकूफ जाहिल आदमी, ये चमकने वाला पत्थर नहीं, ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा लाल है। इस वक्त तो शायद तेरे शहर में कोई बंदा ही ना हो जो इसकी कीमत दे सके, इतना कीमती है। क्या तू दंदा नहीं कर रहा, क्या तू बेवकूफी करने जा रहा था। उसने पकड़ के ना अपना सर रोना शुरू कर दिया। वो जो जोहर शराज था ना, जो जरगर सनियारा जो भी आप उसको बोले, उसने कहा भाई रो क्यों रहा है, बच गया तेरा पत्थर, नहीं तूने कव्वा उड़ाया, मैंने बचा लिया, तेरी खैर खाई की, तू बच गया। उसने कहा रो इस बात पर रहा हूं, अभी मैंने इसको चलाया नहीं तो तू मुझे डांट रहा है, मैं तो वो बेवकूफ आदमी हूं जो सुबह से लेकर अब तक कहीं सो चला चुका हूं। ये बयान करने के बाद मौलाना रूम कहते हैं ओ जलिया, ये जो तेरे सांस है ना, ये भी कीमती लाल है, तू इनको चला रहा है बेतुका। जो तेरे लम्हात है ना, ये जो सेकंड हैं, ये जो मिनट हैं, ये जो घंटे हैं, ये जो दिन है, ये कीमती लाल है, तू चला रहा है, तू जाया कर रहा है इनको। ये जाया करने के लिए नहीं है, ये बंदगी करने के लिए है। लेकिन क्या है हजरत, हम जाया कर रहे हैं, ना जाया करो हजरत इनको, ना जाया, ये लाल हैं, ये लाल हैं। इसीलिए तो फिर मेरे कीम शाह फरमाया करते थे, जब तक चले खूब चलाई साए अपने दियारी, चला मियां क्यों नहीं चलांदा है। जब तक चले खूब चलाई साए अपने दियारी, तिला सटफा जंजाला वाले, तिला अल्लाह नल यारी है। एक कीमती लाल नी मिया, एक कीमती लाल नी
बड़े चला बैठे पहले ही, हूं ना चला, हूं ना चला, ना जाया कर मियां। आने से नौमा पहले पता चल गया कि तू आ रहा है, लेकिन याद रखना मियां, जाने से 9 सेकंड पहले भी नहीं पता चलेगा। मेरे दोस्त हैं सऊदी अरेबिया में, बड़ी अजीब बात सुनाई, और इसी तरह हैं जी, बड़ा बड़ा उसके मामला बड़े पुख्ता हैं हजरत, आपसे मुझसे जैद से बकर से उससे इससे अक्सर मिस्टेक होती है, बड़े ज्यादा आईडी कार्ड मैंने देखे हजरत, नाम क्या है, मोहम्मद उमर, जींस थी मर्द, कंप्यूटर गलती कर गया, औरत लिख दी है, लेकिन ऐसा जबरदस्त मालिक है हजरत, आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ। हजरत जी बेल हो कद्दू की और निकल टिंडा है, ऐसा शानो वाला मालिक है, ऐसा शानो वाला कभी आज तक नहीं हुआ। दरख्त आम का और निकल सेब आए, कोई मिस्टेक है ही नहीं हजरत। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून, कतरा आप मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, देखो जरा रंग उसने क्या बकेरे हैं, कोई डाई कोई स्केच कोई इंजीनियर कुछ नहीं, कतरा आप मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा है। बात बड़ी अजीब सुने, वो कहते हैं हम ना सऊदी अरेबिया, ये जैसे हजरत इधर भी टैले लगी हैं, लेकिन छोटी हैं हजरत, टैले साइज छोटा है, वो कहते बड़ी टैले ना, वो कह रहे थे शायद एक पैकेट में शायद 5 या 7 कहते होती हैं, कहते मैं चढ़ा था, मेरे साथ जो बंदा हेल्पर था मेरा, कहते हम लगा रहे थे हजरत, कहते मैंने उसको मना भी किया सारियां ना फाड़, 7 या 6 जो भी थी, एक अच्छा खासा बंदर रखती हैं, 2-2, 3-3 करके पकड़ ली, उसने कहा नहीं मैं जोर में हूँ पकड़ लूंगा, कहते बस उसने 7 पकड़ी, बैलेंस नहीं रहा, बड़ी उसने कोशिश की, कहते मैंने भी कोशिश की, लेकिन अपना उसका वजन 7 पूरा पैकेट तो उसने उठा रखा था, 7 या 6 जितनी भी थी, कहते वो पीछे को गिर गया नीचे, 7वीं मंजिल थी, कहते मैं भी नीचे उतरा, सारे हम नीचे आए कि उसका तो राह कुछ नहीं होगा, 7वीं मंजिल कहने को होती, कहते लेकिन जब नीचे आए तो क्या देखते हैं हजरत जी, नीचे कुछ इस तरह का सामान पड़ा था कि वो उस पर गिरा और हड्डी टूटना सर फटना तो दूर, उसका उसका जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ, और उठ के ना अपने कपड़े साफ कर रहा था। हम बड़े खुश, वाह मालिक, और तू बचाने पे आए तो 7वीं मंजिल से गिरा के भी बचा लेता है, तू अगर बचाना चाहे, अगर अभी तेरी मर्जी ना हो, अभी कुल्लू नफ्सिन ज़ायकतुल मौत का हुक्म ना आया हो, अभी कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरूना मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम का हुक्म ना आया हो, 7वीं मंजिल से गिरा के भी बचा लेता है। जैसे हमारी पाकिस्तानियों की आदत है, वो जी अल्लाह ने नई जिंदगी दी है मुंह मीठा कराओ, कहते हमने भी उसको कहा भाई अल्लाह ने नई जिंदगी दी, कहां से तू गिरा है बच गया, कुछ भी तेरा नहीं बिगड़ा, मुंह मीठा करा, कहते बस वो इसी खुशी में ना कि नई जिंदगी मिली और मुंह मीठा कराना है, कहते वो जो बिल्डिंग तैयार हो रही थी सामने दुकान थी मिठाई की बेकरी की, कहते वो इस खुशी में कि मैं 7वीं मंजिल से गिर के बच गया हूँ, वो इस तरह भागा, आगे सड़क थी मेन रोड था, उसने दाएं आओ देखा ना ताओ, जो सड़क के बिल्कुल दरमियान में था ना, तो उधर से हजरत एक ट्राला आ रहा था जो उसको कुचलता हुआ गुजर गया, उमीने पहले पता चल गया ही कि साहबा दरा रहे, लेकिन जाने से 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलना कि अब साहिबा दर जा रहे हैं, अब कूच है, अब मुकम्मल हो गए हैं, अब सारा कुछ लपेट दिया गया है, 9 सेकंड पहले भी पता, कहते मैं हैरान रह गया, मालिक तो अपने मामलात का कितना पक्का है, 7वीं मंजिल से गिरा के बचा लिया, लेकिन क्या है जहां तेरा हुक्म था वहां उसको कोई नहीं बचा सका, खुद ही चल के चला गया मियां है। हाँ मियां, आने से 9 माह पहले खबर हुई, हैं जी 9 माह इंतजार किया गया, जब आए पता नहीं क्या क्या हुआ हजरत, मिठाइयां बांटी गई, खाला आई, पुप्पो आई, चाची आई, ताई आई, जाने पे भी सारे जाएंगे, लेकिन फर्क इतना है कि आने से 9 माह पहले पता चल गया कि साहब आ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हजरत किसी को भी पता नहीं होगा कि साहिब की अब तैयारी है मियाँ, ये साहिब जो सांस ले रहा है ये सांस इसका आंख दी है, जो साहिब ने आंखें खोली हैं ये आंखें बंद होने वाली हैं, इसके बाद दोबारा नहीं, मैं आपको मायूस नहीं कर रहा, दलेर कर रहा हूँ हजरत,
और इससे एक और बात भी पता चली कि एक ही दिन जाना है, रोज नहीं जाना कोई भी इधर। और इंशाल्लाह जिस दिन वो दिन आएगा खुशी से जाएंगे इधर। लेकिन हजरत खुशी तो तब भी होगी ना जब पल्ले कुछ होगा हजरत। तो अगर पल्ले हुआ ही कुछ ना तो हजरत फिर खुशी काहे की मियाँ, फिर खुशी काहे की। इसलिए जितने अहबाब बैठे हो मियाँ, अपनी अपनी नमाजें पूरी करो यार, धोखा ना दो, झूठ ना बोलो, जितना हुक्म दिया गया कोशिश करो, और बस अपने अल्लाह पे यकीन रखना, जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा।